हम कहाँ जा रहे हैं? मीना का लहंगा लेने, फाइनली लहंगा मिल चुका है। तो वहाँ अभी एंटर हुए हैं अभी शॉप में, लगा हुआ मीना ने कहा वाओ। अब बारी है दूल्हे के शेरवानी की। ये दुल्हन का है, ये दूल्हे का, दोनों गाड़ी में बैठ गए हैं, अब बारात लेके जाएं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो आज की वीडियो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि समीना के लिए मुझे जो बारात का उसका लहंगा है वो मैं खुद लेने जाऊंगा। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और लहंगा लेने में अकेला तो जा नहीं सकता, आपको पता होगा। तो मेरे साथ जा रही है आप सबकी फेवरेट आयशा। अस्सलामुअलैकुम। और इसके अलावा जा रही हैं अम्मी, उनसे मिलवाते हैं अभी कुछ देर के बाद। और पीछे आइसक्रीम वाला आया हुआ है। क्या आयशा, आपने आइसक्रीम खानी है? बचपन में क्या होता था जब ऐसी आवाज आती तो हम पागल हो जाते थे, वाज वाला आ गया। तो इस टाइम जो होता है टाइम 4 बजे का, सबका दिल करता था वाज वाला आ गया, आइसक्रीम खानी है, स्कूलों की छुट्टी है। अभी खानी है? नहीं, मुझे ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है और आप सबको पता चलेगा कि ऐसी क्या वजह है। आप हैरान होंगे कि लड़की खुद क्यों नहीं जा रही बारात का लहंगा लेने, लड़के वाले क्यों लेके आ रहे हैं। तो बस अब जाते हैं, और बहुत जबरदस्त किस्म का लहंगा है और इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। तो बस देखते रहिए, उसके अलावा और भी एक सरप्राइज है आपको, आपको मैं आगे जाके बताता हूँ वो क्या है। चले आ जाए, लो भी आयशा को देख लो सब। आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे आपको आयशा का नया अंदाज नजर आएगा, लाइफ इदामला लाइफ बिलाल में, शॉपिंग की वीडियो में, हर जगह कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा। और अम्मी भी आ चुकी हैं। अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं बताएं? हम जा रहे हैं समीना का लहंगा लेने। तो चलिए चलते हैं। बैठ चुके हैं अम्मी भी, आयशा भी, मैं भी, अब अपने सफर पर हम निकल चुके हैं। और इसके अलावा जो मेरी शेरवानी थी वो भी आनी थी, उसका ऑर्डर वगैरह दिया था मैंने। जो हम गए थे एम्पोरियम मॉल, पसंद की थी मैंने, आमना ने और समीना ने मिलके साथ। तो पहले क्या ले, हम समीना का लहंगा ले या हम बिलाल की शेरवानी ले? लहंगा, लड़कियों को पहली चीज ले, लहंगा ले, वो सोल्ड आउट ना हो जाए। ओके, तो सबसे पहले जाएंगे समीना का लहंगा लेने और दुआ करे वहाँ हो। नहीं, इंशाल्लाह होगा। अचानक से बारिश आ रही है, बारिश देख के बहुत तेज। अब मसला ये है कि अंदर जाके वो वीडियो नहीं बनाने देंगे क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है, उन्होंने स्पेशल लिख के लगाया हुआ है। तो बस अब बाहर आते हैं, या कुछ अगर पार्ट बन गए वीडियो के बना लेंगे, फिर बाहर आके आपको मिलते हैं, स्टोरी बताते हैं। बारिश का मौसम है और समीना का लहंगा लेने जा रहे हैं हम, क्या बात है। और आयशा भी देखें फुल रेडी है। मौसम कैसा आयशा? मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फाइनली लहंगा मिल चुका है, बहुत खुश है, बहुत मेरी पसंद का लहंगा। हाँ जी आयशा बताएं, कैसा लग रहा है आपकी छोटी भाभी के लिए शादी का लहंगा आप खुद लेके आ रही हो? ये अब आपको बताते हैं स्टोरी। स्टोरी ये है कि हमने मतलब कि कई माह पहले ये लहंगा वेबसाइट पर देखा था और मुझे बहुत पसंद था। समीना पहले नहीं, एक माह पहले, मतलब एक डेढ़ माह दो माह पहले देखा होगा। तो फिर ना पसंद था, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मतलब शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो समीना ने भी शॉपिंग मतलब के देखना शुरू की, शॉपिंग करना, विंडो शॉपिंग। ऑनलाइन तो पसंद कर लिया था, पर गुजरांवाला में मारिया भी था ही नहीं, नहीं है। अच्छा, नहीं था, जो दूसरे ब्रांड थे ना वो थे। और वो उन्होंने देखा उनका कपड़ा नहीं ठीक था, मतलब नहीं पसंद आया। उन्होंने सोचा मारिया भी का भी ऐसा नहीं, उन्होंने किसी डिजाइनर से ऑर्डर करवा दिया जो उनको पसंद आया वो। अब अगली स्टोरी आपको अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो अब हम आए हैं मेरे बारात की शेरवानी लेने। क्योंकि आपको याद होगा कि लाइफ विद आमना की वीडियो में हमने एक शेरवानी पसंद की थी और उसका ऑर्डर दिया था, तो आज हमने उसको रिसीव करना है। उसकी कॉल भी मुझे आ गई रास्ते में,
तो एक वक्त में दोनों काम, समीना की बारात का जोड़ा भी आज अभी लेके आ रहे हैं हम, और मेरे बारात का जोड़ा भी इसके साथ ही लेके आऊंगा मैं इंशाल्लाह। अभी जाके रिसीव करता हूँ, पार्किंग में मैं गाड़ी ले आया हूँ और पार्किंग की जगह ढूंढ रहा हूँ इस टाइम। जिस तरह आप अपनी एंगेजमेंट में और निकाह पर प्यारे लगे थे, मुझे यकीन है मेहंदी बारात वलीमा सब में आप प्यारे लगेंगे। मुझे तो हमेशा प्यारे लगते हैं, क्या करूं। ये सारा आप लोगों की नजरों का कमाल है, आयशा भी और बाकी भी जो सब कह रहे हैं। बस मेरा क्या, मेरा दोनों टाइम आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे, अब पता नहीं ग्लो करेंगे कि नहीं। उस दिन तो आपको किसी मेकअप की भी जरूरत नहीं थी। मैं तो चाहती हूँ मेरा मेकअप से ज्यादा इंसान को खुशी चाहिए होती है ग्लो करने के लिए। मैं तो चाहती हूँ मेरे ब्लाउज में मेकअप करे अच्छी जगह से। फिर मेकअप नहीं करते, मेकअप करते हैं बनावट करने के लिए। अच्छा, लड़कों को नहीं करना, लड़कियों को तो जरूरी होता है ना, लड़कों को जरूरत नहीं है करने की। चलिए बस अब निकलते हैं। बालों का हेयर स्टाइल क्या है? मेरा स्टाइल यही है, मैं सीधा सा बंदा हूँ, मुझे नकली नहीं। आप सीधा बंदा ना कहा करें प्लीज। नहीं मैं नकली बंदा नहीं, आप सीधे नहीं है। अच्छा मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं सीधा बंदा नहीं। आपने कभी नहीं ये वर्ड यूज किया कि मैं सीधा बंदा हूँ, आप सीधा तो नहीं है। अच्छा मैं होशियार नहीं हूँ, ठीक है। सीधे बंदा नहीं है, आप होशियार है। होशियार तो हूँ लेकिन मैं नकली नहीं करता फैशन। रखा मैंने जेब में पार्किंग का। बहरहाल आप ये कभी वर्ड यूज ना करें, आप सीधे हैं। ओके मैं उल्टा हूँ। समीना को नहीं पसंद कोई कहे मैं सीधा हूँ, पता है आपको। ओके उसने मुझे बताया। ओके 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 आई एम उल्टा। चले आ जाए। अब बारी है दूल्हे के। दूल्हे की शेरवानी जो हम तीनों बहनों ने पसंद की थी और साथ समीना ने भी की थी। समीना ने पहले की थी, समीना पहले यार। जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। नहीं सबसे पहले मैं आया हूँ दूल्हे की शेरवानी। अच्छा हम लाल में पसंद किए, फिर उसके बाद आयशा वगैरह सब हैं। पहले मैं फिर समीना फिर रामना फिर मैं। अच्छा आयशा कुल्ला जो था वो हमने ले लिया था, और अब उसके अलावा उसका जो रुमाल होता है यहाँ लगाने वाला वो रेड कलर का होना चाहिए। रेड एंड गोल्डन वो लेंगे। और नीचे क्या होगा, गुस्सा होगा, शूज होगा, क्या होगा? गुस्सा। तो मैं पहुंच चुका हूं अपना ऑर्डर रिसीव करने। आयशा बस स्टोरीज बनाती रहती है। अम्मी आई हैं पौड़ी, हम बहुत काम आती हैं अम्मी। आज अम्मी आई हैं तो क्यों ना कुछ स्पेशल खिलाया जाए। मुझे तो है ना थोड़ी। 10 से 15 मिनट में ऑर्डर रेडी होगा, हम यहाँ आकर रिसीव करेंगे। लेके आ गया है ये देख। खाना पीना हो गया, पेट पूजा कर लिया हमने। अम्मी आपको कैसा लगा खाना? काम है जो बुरा नहीं हो रहा, और लाल काम के चक्कर में लगा हुआ है, मिल रहा कुछ नहीं। मैंने लेना शेरवानी के नीचे इनर दिलवा दिया, उसके पैसे मैंने लगवा दिए, वो जाता था कम रेट। इनर भी वहाँ से ले लिया है जहाँ शेरवानी ली है। मैंने कहा नहीं इतना हम घूमे कम प्राइस की वजह से, मिल कुछ नहीं मिला, वहीं से मिला है जहाँ से मैं शुरू से कहती थी ना दो। आप पास से रुमाल रह गए यहाँ लगाने वाला, वो घर के पास से मिल जाएगा शर्ट एंड टाई से। ये देख दोनों ये दोनों इकट्ठा तरफ लाल दिखाएं, कैसे लगाएं आपने? नहीं लगेंगे ये देख। ये दुल्हन का है, ये दूल्हे का है, दोनों गाड़ी में बैठ गए हैं, अब बारात लेके जाएं। लाल बहुत खूबसूरत लगेगा, मेरी दुआ है मेरा लाल बहुत ज्यादा चमके है। समीना भी खूबसूरत लगेगी, लगेगी ना। आप तो कहते मैंने स्नो नहीं जाना, इसलिए कह रही हूँ डर आप चमके ना, फिर क्या? मैं चमकूंगा, जादू है चमकाने का। चले जी आ जाए, थैंक यू सो मच शॉपिंग करने के लिए। इसमें थैंक्स क्या बात है। हाँ अच्छा अम्मी बताएं आपको कैसा लग रहा है?
आप खुशकिस्मत हैं, आप गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं जहाँ पर बेटे के साथ साथ आपकी बहू का भी कपड़े साथ मौजूद हैं इस टाइम। कभी ऐसा नहीं होगा कि लड़की का बरात का सूट उसकी सास के साथ खुद लेने जाए और नंद भी जाए साथ। हाँ, साथ खुद लेने खुद जाए, लेकिन लड़की ना हो साथ। हाँ, लड़की साथ ही थी जब पसंद तो हाँ, ये तो बात ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है स्टोरी को कंप्लीट करने की। हुआ क्या था? हुआ ऐसा था कि आपको मैंने शुरू में भी बताया कि किसी डिजाइनर से फिर करवा दिया। पहले ये नहीं, पहले शुरू से भूल गए होंगे लोग, दोबारा बताओ। अच्छा मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये था कि हमने ना डिसाइड किया था, जाहिर है मेरा निकाह हो चुका है, मेरी बातें होती थी समीना से, तो हम डिसाइड करते थे कि ये वाला लेंगे, ठीक है। फिर वो ऐसा हुआ कि उनके मतलब के एरिया में ये नहीं था, मारिया भी वगैरह जो था मुझे, तो मैं हाँ। तस्मीना ने हमें भी फिर पिक्चर्स भेजी आमना को, मुझे ममता भाभी को, आप देखें, आमना को भी बहुत पसंद था, पर दो हो गए थे ऑप्शन, फिर हम समझ नहीं आ रही पसंद था। समीना के घर वालों को भी बहुत पसंद था, सबको पसंद था। अब बात ये थी कि उनके एरिया में मारिया भी नहीं था, तो फिर उन्होंने सारे मतलब सारे मार्केट विजिट की, उनको कोई पसंद नहीं आया, तो उनको एक डिजाइनर था उससे पसंद आ गया। मतलब ये हुआ था, पसंद करने लेने भी आयशा चुप रहो, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी मेरी बात यहाँ से, ये अभी बात शुरू हुई नहीं, पहले बात तो पूरी होना। बात ये थी कि वहाँ पर कोई ऐसे एरिया में नहीं था, नहीं मिला जो भी है। फिर उन्होंने एक डिजाइनर था, बड़ा अच्छा था, वो भी अच्छा था जो भी था, तो मुझे भी दिखाया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अभी वेट करते हैं, इम्पोरियम जाते हैं। हाँ। इम्पोरियम मॉल में होगी, यानी कि मारिया बी में। हाँ। तो फिर इसको उसको आदमी को ना रात का टाइम दे दिया हमने, तो रात का टाइम दे दिया कि हम रात को आपका ना ऑर्डर कंफर्म कर देंगे उस डिजाइनर का। तो जब हम यहाँ आए ना, यहाँ इम्पोरियम में ब्राइडल का जो ड्रेस है ना वो होते ही नहीं है, तो फिर रात हो गई थी, तो फिर उसको कॉल कर दी उन्होंने। मैंने कहा चलो ठीक है, वो नहीं मिला, नहीं दूसरा भी पसंद था, वो अच्छा नहीं लगा था, वो भी नहीं पसंद था, दूसरे ब्रांड का भी था, वो भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन नाम बताना मुनासिब नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर ना अगले दिन मैंने तो अपना वलीमे का जो मैंने देना है वलीमे का, वो तो मैंने लेना ही वही था वहां से मारिया बी से, तो वो हम लेने गए कहीं कैसे ना कैसे कर कुड़के जहाँ से मिलता लाहौर में, जो सबसे उनकी मेन ब्रांच है गुलबर्ग, वहां मैं गया, ठीक है। समीना भी मैं उसको भी साथ ले गया, हम ले गए ना उसको, इस वजह से हम शॉपिंग के लिए लेके आए थे ना। फिर नेक्स्ट डे हम लेने गए उसके मतलब के साथ, तो वहाँ अभी एंटर हुए हैं अभी शॉप में, समीना ने कहा वो ऐसे हो गई, वो कहते नहीं मुझे ये पसंद है। समीना बेचारी ने तो खा किया ना, पीछे हम भी शुरू हो गए, आमना मरियम मैं बिलाल भी, नहीं ये बेस्ट है, ये करो ये करो, बेचारी कंफ्यूज हो गई, क्या करूं। पहले दिखाया ना हमने वाओ ऐसे करके, तो वो कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज नहीं हुई वो, उसने कहा कि ये लेना, वो सोच रही थी कि मैं 90,000 दे दिया था उसने, 90,000 मतलब एडवांस, तो मैंने कहा परेशान होने की क्या बात है, कोई नहीं कैंसिल करवा लेते हैं, अगर कोई फाइन वगैरह भी कट पैसे काट भी लेगा जो आदमी होगा जो भी होगा डिजाइनर, तो कोई बात नहीं, इस तरह हम काट लेंगे। तो यहाँ कोई नहीं होता शौक, एक शादी एक बार होती है, अगर इस तरह तो इंसान की हसरत हसरत रह जाती है, क्या रहती है हसरत रहती, पर बिलाल को हसरत गई, फिर इंसान की मतलब की ख्वाहिश रह जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं ले लेते हैं, यहाँ बिलाल चाहता था वो यही लहंगा पहने। हाँ ठीक है, कभी सुना आपने बरात का लहंगा लड़का चाहे? हाँ ठीक है। फिर इस तरह हुआ कि फिर वो मतलब के उन्होंने कहा कि वो भी पाकिस्तान कह रहे लाहौर में नहीं ना थी, गुजरांवाले में थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि समीना ने उनके घर वालों ने कि हम ले आए जाके पास ही है ना लाहौर, बोल के गई थी वो, तो क्योंकि वो ये भी डर था कि कहीं वहां से कैंसिल, वहां से कैंसिल करवा के भी नहीं जहाज से चला जाए। मैं फिर उसी टाइम अब गया हूँ आज और ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हम, बरात की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और वलीमे की भी मेरी हो गई है। तो एक बस और बात बताते, समीना क्यों ज्यादा पागल हुई थी, वो ना जो वलीमे का हमने ड्रेस लिया है वो और साथ बरात का ड्रेस सेम एक जगह पे लगा था, एक जैसे लग रहे थे कि ये वलीमे पर पहने और ये बरात पर पहने, इसलिए वो बेचारी परेशान होगी। तो बस फिर ऐसे हुआ कि समीना का दिल आ गया उस पर, पहला होता है ना वो, पहला प्यार था मतलब लहंगा, पहली पसंद थी, हम दोनों ने मिलकर देखा था, तो फिर वो उससे रहा नहीं गया, फिर हमने करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से कैंसिल भी हो गया इजीली, टेंशन खत्म हो गई, और यहाँ से हमने ले भी लिया। तो बस ये थी स्टोरी के ऐसा क्या हुआ कि समीना का लहंगा मुझे खुद लेके आना पड़ा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा को भी फॉलो करें, समीना के इंस्टा को भी फॉलो करें, आपको नजर आ रहा होगा ऊपर आईडी, और इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही मजे की वीडियो में, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।